पागल, उस बुड्ढे मजदूर ने हमें देख लिया। आज हमारा मालिक मरते मरते बच गया। चल निकल यहाँ से, हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, चल चल चल, निकल जल्दी, निकल यहाँ से। दो बंदे ऊपर खड़े थे, उन्होंने आप पर गड्डू गिराया है। शबीरू, तेरी मेहरबानी, तूने मेरी जान बचाई, लेकिन वो कौन थे जो मेरी जान लेना चाहते थे? सर, क्या हुआ? हमने बहुत ही खौफनाक आवाज सुनी है। हमारे ये मालिक और ये बच्चा दोनों मर जाते अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो। पता नहीं हमारे मालिक को कौन मारना चाहता है, ये पता लगाना होगा। आप उठे, पता नहीं मौजू। शबीरू, मुझे दो बंदों पर शक है, तू मेरे साथ चल। अरे तो मालिक बच गया, अगली बार बचना नहीं चाहिए। चल गट्टू साइड पे करते हैं, आजा। मुझे लगता है ये मालिक क्या है? 300 रुपए पैसे। अरे ये पैसे हमारे हैं, मेरे बाबा के गिरे हैं, मुझे दो। ओए, अगर ये पैसे मैं तुझे ना दूं तू क्या कर लेगा? अच्छा, मैं भी जाके बाबा को बताता हूँ। पकड़ से तुझे मैं राज की बात बताता हूँ। शबीरू, आवाज तो मेरे चांद बेटे की थी। साहब, आपको वहम हो रहा है, चांद तो घर चला गया। अच्छा, चांद बेटा चला गया है। बात ऐसी है, किसी ने मेरी दौलत पे नजर रखी हुई है और मुझे जान से मारना चाहता है। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मुझे दुश्मन को ढूंढना होगा। साहब, आपकी बात ठीक है, पता नहीं को कौन हो सकता है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर तूने अपने बाबा को एक लफ्ज भी बताया तो। मैं चांद पैसों की खातिर मुझे मार दोगे? ये चंद पैसे नहीं, हम तो तुम्हारे बाप की सारी दौलत को हथियाना चाहते हैं। ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, इसे यही खत्म कर देते हैं। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, चल बेटा, तेरे दिन पूरे हो गए। ओए मजदूरों, कहाँ मर गए हो? मालिक आ रहा है, इसको कहीं पे छुपा देते हैं। उठा उठा, मर गए सुबह से बुला रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो? सर, यहाँ पे इंटे लगा रहे हैं हम। ओ बेवकूफ हो, काम आता नहीं है, इंटो से खेल रहे हो, दबा दो। ठीक है मालिक, अभी लेके आते हैं। क्या ये माजरा, क्या कर रहे हैं मालिक? अरे खाने में क्या मंगवा रहे हैं? शबीरू, जो दिल चाहे मंगवा लेना, वापसी पर मेरे बेटे चांद को लेते आना। ओए, मैं तो कहता हूँ मालिक के बेटे का इल्जाम इस बुड्ढे पर लगवा देते हैं। लेकिन वो कैसे? तुम बस देखते जाओ, अब मेरा काम है सिर्फ। तुम्हारी वालदा को हार्ट अटैक आया है। मेरी वालदा? हाँ, हमें तुम्हारे घर से फोन आया अभी। अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे मालिक से छुट्टी लेनी होगी। तुम्हें मालिक से छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मालिक से चोरी निकल जाओ, मालिक तुझे छुट्टी देने वाला नहीं है, मैं संभालूंगा। तुम जल्दी जाओ, घर जाओ। मैं जाता हूँ, मेरी माँ। जल्दी जाओ। पता नहीं मेरा चांद बेटा कहाँ गुम हो गया है। वीरू, रुक, कहाँ जा रहे हो चोरी चोरी तुम? साहब, मेरी माँ को हार्ट अटैक हो गया, अभी मेरे घर से फोन आया, मैं जाऊँ ना तो और क्या करूँ? अच्छा, तो एक और झूठ, झूठ पे झूठ, तुमने बोला था कि तेरा बेटा घर है, घर में तो वो नहीं है चांद, किधर है मेरा बेटा? साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी सफेद दाढ़ी है, मुझे आपके बेटे का पता नहीं है, वहाँ मेरी माँ मर रही है और आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात कान खोल के सुनो, जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिल जाता तुम तीनों कहीं नहीं जाओगे। साहब, यही है जिसने आपका बेटा अगवा किया है, इसीलिए तो चोरी चोरी घर जा रहा था ये। भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों मुझे फंसवा रहे हो? साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि तू घर जा। साहब, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, ये हम पे झूठा लाचन लगा रहा है, इसी को डालो भट्ठे में, ये सच उगलेगा। कहाँ है आपका बेटा? तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे इसी पे शक था, ले चलो इसे भट्ठे पे। चलो, खुदा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो, मैं देखता हूँ कैसे बताते। मुझे माफ करो साहब, मुझे माफ कर दे। कोई माफ नहीं है, चलो साहब, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो, डालो इसको। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये पैसे हमारे हैं, मेरे बाबा के गिरे हैं, मुझे दो। ये चंद पैसे नहीं, हम तो तुम्हारे बाप की सारी दौलत को हथियाना चाहते हैं।